जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में भाजपा विधायक सीपी सिंह अधिकारियों पर भड़क गए। दरअसल कोरोना के कारण समिति की बैठक लंबे समय के बाद आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न सांसद और कई विधायक भी मौजूद रहे। वहीं जिले में हो रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट देने के लिए रांची डीसी छवि रंजन, डीडीसी विशाल सागर और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रांची विधायक सीपी सिंह ने पीने के पानी और प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का मामला उठाते हुए अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो गलत हैं तो राजनीति छोड़ देंगे, नहीं तो अधिकारियों को इस्तीफा देना होगा। किसी को भी यदि 20 किलो अनाज मिलना है, 20 किलो अनाज मिलता है उसको 3 केजी काट के मिलता है। क्यों मिलेगा 3 केजी काट के? यदि किसी को 35 केजी अनाज मिलना है, 5 केजी काट के मिलता है उसको, उसको 30 केजी अनाज मिलता है। क्यों 30 केजी अनाज मिलता है? कहे भैया तो हमारा वहाँ शॉर्टेज होता है, हमको वहाँ देना पड़ता है, हमको वहाँ देना पड़ता है। सच्चाई है आपका, ये तो पूछवा देंगे। और बोलता है कि कंप्लेन करेंगे तो बोले जाओ जिससे करना कर। वो भी जानता है कि भैया एमओ को महीना देना पड़ता है, एमओ के माध्यम से डीएसओ को और एसओआर के यहाँ पहुँचता है। क्या होगा अब इसको हम छुपा के रखे? सच्चाई यही है। और कहिए तो चैलेंज मैं करता हूं, यदि सही नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिएगा। हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची डीसी और डीडीसी को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर सौंपने का निर्देश दिया। और आज दिशा की बैठक इस कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हुआ, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद थे और उनके जो क्वायरी थी उसका आंसर पदाधिकारियों ने दिया है। लेकिन ये मीटिंग अभी कंटिन्यू होगी इसलिए कि इसमें अभी विषय का प्रवेश हुआ है, आगे बहुत सारी चीजों पर और डिटेल्स में डिस्कशन करना है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।